यहाँ से दोस्तों एंटर होना पड़ता है, आपको दिखा रहा होगा एंट्रेंस से ही, एंट्रेंस द्वारा यहाँ से अपने को एंटर होना पड़ता है और फिर मंदिर आता है। तो लाइनें काफ़ी हैं दोस्तों, अभी चलते हैं अंदर की तरफ। आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये है मेहंदीपुर बालाजी की लाइन, कितनी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए, पूरी लाइनिंग की व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर। ये देखिए फैमिली के साथ जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये जो दोस्तों आपको ताले दिखाई दे रहे हैं जगह जगह पर, ये देखिए अपने झुंझुनू साइड के अंदर तो नाल वगैरह बांधा जाता है, नाल और मौली बांधते हैं, यहाँ पर ताले लगाते हैं। जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो अपने ताले को खोल देता है, उसको अपने ताले की जगह याद होनी चाहिए कि ताले की जगह कौन सी है। मन्नत पूरी होने के बाद ताले खोल दिए जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मन्नत का ताला है, पता नहीं कितनी जगह लगा रखे हैं, तो ध्यान रखना पड़ता है कि हमने कहाँ लगाए थे। ये देखिए कितने ताले लगे हुए हैं यहाँ पर, मन्नत के ताले लगे हुए हैं, ये है मन्नत के ताले यहाँ लगे हुए हैं। तो दोस्तों आपको अच्छा फील हो रहा होगा इतनी ज़बरदस्त भीड़ के अंदर, ये ज़बरदस्त भीड़ है। और हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, आप हैं मेहंदीपुर बालाजी में, और कितनी अच्छी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है व्यवस्था है मेहंदीपुर बालाजी की। मन्नत के लिए ज़रूर ध्यान रखिए दोस्तों, ताले लेके ज़रूर आइए और अपना ताला लगा के जाइए, जाते समय खोल लीजिए। जब भी आपकी इच्छा पूरी हो तब खोलना है, लेकिन ऐसे नहीं कि आप लगा के चले जाओ खोल लो। ये देखिए ताला लगा रखा है, तो अपनी स्पेशल चाबी अपने पास रखते हैं, मन्नत पूरी हुई और ताला खोला।